गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट लास्टिंग क्या होती है और मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जब हमें पता है कि जब हम किसी कंडक्टर में बैटरी लगाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट चलती है, तो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स कि द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो कितनी वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है। अभी आप देखिए कि हमें जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो तो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, तो क्या जो इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं अंदर, क्या उसकी स्पीड भी उतनी ही है जितनी इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड है? तो मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रॉन चलता कैसे है, तो वो किस वेलोसिटी से चलता है, तो वो आज हम बच्चों पूरा मैकेनिज्म या डिटेल में पढ़ाएंगे आपको कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले आप ये देखिए, हम टॉपिक लिख लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और मैकेनिज्म क्या है इलेक्ट्रिक करंट चलने का? तो बच्चों आप ये मान के चलिए कि सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, मतलब कोई मेटालिक कंडक्टर, सारी ये कोई मेटल का पीस है, ये मेटल है और मेटल में आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले आप ये बात समझिए कि हर चीज में एक एटम होता है और एटम बना होता है न्यूक्लियस और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। एटम की यही डायग्राम है, न्यूक्लियस होता है और उसके आगे पीछे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं सर्कल में। अब बच्चों जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन जब इसको छोड़ता है, मतलब लूज हो जाता है एटम से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो तब बच्चों ये जो न्यूक्लियस रह जाता है इसको हम बोलते हैं कर्नल, मतलब जो पॉजिटिव न्यूक्लियस रह जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कर्नल, जब उस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसी तरह मैटर के बीच में क्या होता है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली घूम रहे होते हैं, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स, आप समझिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ढेर सारे ये रैंडमली ये इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे होते हैं ऐसे रैंडम, ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और जो कर्नल्स होते हैं वो भी बीच में होते हैं। एक बच्चों आप ध्यान दीजिए कि ये जो कर्नल्स होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस होते हैं ये हैवी होते हैं, इसलिए वो वहीं पर फिक्स रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही वंडर करते रहते हैं आगे पीछे रैंडमली मूव करते रहते हैं, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट कब होती है, व्हेन द चार्ज फ्लोज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शन में जब कोई चार्ज चलता है तब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। अब एक क्वेश्चन आप ध्यान में रखिए कि जब चार्ज डेफिनेट डायरेक्शन में चलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो जीरो कभी नहीं होगी। जब किसी की एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होती तब हम बोलते हैं कि वो एक डायरेक्शन में चीज चल रही है, और अगर किसी की एवरेज वेलोसिटी ही जीरो है तो समझ लो कि वो एक रैंडम मोशन में चल रही है चीज। अब मान लीजिए ये जो अभी मैंने मेटल का पीस लिया, ये एक मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मान लीजिए मैंने कोई 27 डिग्री पर रूम का मेरा टेम्परेचर है, वहां पर ये मेटल का पीस पड़ा हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि रूम की हीट जो होगी, जो रूम के अंदर हीट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, और फिर ये एनर्जी हो जाती है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर वो थर्मल, उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी के कारण वो रैंडमली घूमते रहते हैं। अब ये रैंडमली घूम रहे हैं, रैंडमली का मतलब हुआ कि इन सभी की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, सभी की अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो वो जीरो आएगी। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन की अभी इस वेलोसिटी U1 है, इसकी U2 है, इसकी U3 है, इसकी UN है, तो अगर मैं इन सब की एट रूम टेम्परेचर के ऊपर, एट रूम टेम्परेचर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज भी राष्ट्र अगर मैं निकालू रूम टेम्परेचर के ऊपर तो वह आएगी यू वन यू टू यू थ्री यू एन डिवाइडेड बाय जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये सब एवरेज राशि की जीरो होगी। ये आप नोट कर लीजिए एवरेज राशि की सभी इलेक्ट्रॉन्स की एट रूम टेम्परेचर के ऊपर कितनी होगी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी क्योंकि वो सारे रैंडम घूम रहे हैं। ये आपने वेक्टर में पढ़ा था कि अगर सारे वेक्टर रैंडम हो तो वो हम क्या करेंगे कि ऐसे क्लोज पॉलीगन बनाएंगे जिसकी सारी साइडें हेड टेल से जुड़कर एक क्लोज फिगर बनाएगी ऐसे यू वन यू टू यू थ्री यू फोर यू एन। तो जिस सभी की अगर हम क्या पैरोग्राम सारे पॉलीगन और वेक्टर एडिशन लगाएंगे कि अगर सभी वेक्टर्स हेड टेल की रेंज में लगाए गए और क्लोज फिगर बने तो इनका जो टोटल रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो। ये यहां नहीं, ये कभी भी अगर आप पढ़ो कि गैस मॉलिक्यूल्स हो कहीं पर हो अगर आपको ऐसे लिखेगी कि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली देन इट मींस दैट द वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज विल बी जीरो। और वो ज्योमेट्रिकली आप इस तरह में फिगर बनाओगे और थ्रेटिकली आप ऐसे लिखोगे कि एवरेज लास्टिंग मतलब इस समय की मीन जो निकालूंगा उस समय की एवरेज लास्टिंग जीरो है। अब मैंने आपको बताया कि जब कभी किसी की एवरेज लास्टिंग जीरो है इट मींस कि दे आर नॉट मूविंग इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही नहीं चलेंगे इसका मतलब है कि वहां पर जो करंट होगी वो वहां पर करंट जो है वो जीरो। तो अभी तक आप पहले आपने ये क्वेश्चन सीखा कि व्हाई देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल पीस विदाउट इलेक्ट्रिक विदाउट बैटरी। तो आपने क्या बोलना है कि ऑल्दो द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल मूविंग बट दे आर मूविंग रैंडमली सो देयर एवरेज वेलोसिटी इज जीरो एंड व्हेन देयर एवरेज वेलोसिटी इज जीरो इट मींस देयर इज नो नेट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इट मीन्स देर इज नो करंट। ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों आप देखते हैं कि मैं क्या करता हूं कि इस क्या एक और चीज एक बार हमने देखा कंपटीशन में आती है इसकी एवरेज स्पीड अगर मैं निकालूंगा एवरेज स्पीड कितनी होगी तो बच्चों एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी क्योंकि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ब्रेकर। अब मान लो ये कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन है ये इधर जाता है इधर जाता है इधर जाता है इधर जाता है वापस इधर आ जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ क्योंकि इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर किया है इसलिए एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती। ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन में आता है और ये अप्रॉक्सीमेटली जो एवरेज स्पीड होती है 10.5 मीटर पर सेकंड होती है मतलब बहुत ज्यादा स्पीड है। मां सोचे कि इलेक्ट्रॉन को ढीले डाला जा रहे हैं जो कम से कम वेलोसिटी ऑफ लाइट की नियर बोर्ड देखो कि 10.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इनकी ये थर्मल वेलोसिटी से घूम रहे होते हैं इसलिए एवरेज वेलोसिटी इनकी जीरो होगी एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी। किस केस में जब हमें अभी इसको कोई बैटरी नहीं लगाई थी। अब बच्चों हम समझते हैं कि मान लीजिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं कि अगर हम बैटरी नहीं लगाते तो इसकी एवरेज जो वेलोसिटी है वो जीरो। अब मान लो कि ये मेरे पास मैं दो क्या करता हूं दो प्लेट्स लगाता हूं एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। ये एक मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे देता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे इधर जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन ठीक। अब मैं क्या करता हूं इस मैटर के पीस को यहां पर रख लेता हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर देखता हूं क्या होता है। तो मैं क्या करता हूं यहां पर एक इस मैटर के पीस को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लिया क्या होता है। तो बच्चों आपको पता है कि ये देखिए ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही थी एक्सटर्नल वाली
अब जैसे आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इस मैटर के पीस को, इस मैटर के पीस को जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो क्या होगा? अब देखिए, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा होंगे सारे। तो आपको मैंने क्या बोला कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, तो अगर ये सारे सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट होगा। ये भी आप समझ सकते हो ना कि देखिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का थोड़ा सा लॉजिक ले लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं दो चार्ज रखता हूं, पॉजिटिव चार्ज रखता हूं और नेगेटिव चार्ज रखता हूं, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनके ऊपर फोर्स डालेगी, उस फोर्स का फॉर्मूला है F इज़ इक्वल टू E। और ये भी आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पड़ेगी, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगी वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। तो नेगेटिव चार्ज जो होंगे, जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ जाएंगे, और जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर चार्ज एक किस्म का एक एकाउंट हो जाएगा, इस एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इस एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, फिर यहां पर एक अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी जिसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि मैटर के केस में ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्वल एंड अपोजिट होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, मतलब कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है वो इक्वल एंड अपोजिट होगी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगी। और क्योंकि इस कंडक्टर को मैंने किसी बैटरी से नहीं जोड़ा हुआ, इसलिए इस कंडक्टर को हम बोलते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर। इसको क्या बोलेंगे हम? आइसोलेटेड कंडक्टर। तो कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, एक तो बात आपको समझ आई कि अगर हमने बैटरी नहीं लगाई थी इसको तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो रैंडमली घूम रहे थे, किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी से। अब हमने क्या किया कि एक मैटर के पीस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फिर क्या होगा कि इसके एक साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वहां पर एक न्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एंड अपोजिट होगी। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे जैसे इंड्यूस्ड, इसको इधर बाबे प्लस हो जाएगा एक्सटर्नल, वो आ जाएगा जीरो, मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जीरो आएगी इस केस में, तो इस केस में चाहे आपने बैटरी नहीं लगाइए तभी यहां पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जब आपने एक मैटर के पीस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तब भी यहां पर एक्सटर्नल अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब अगर इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं क्या उनके ऊपर फोर्स पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ेगी, और क्या वो मूव करेंगे? तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेशक जीरो है इसके अंदर, लेकिन ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे उनके पास कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी तो है ही है, क्योंकि इसको आपने कहीं रखा होगा तो हीट तो अब्सॉर्ब कर रहा होगा। तो इस केस में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली घूमेंगे, रैंडम आर इन मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल्दो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट मींस कि ये दोबारा वही केस आ जाएगा, इस केस में भी एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की जीरो होगी, कोई भी करंट नहीं चलेगी, लेकिन एवरेज स्पीड का इसकी जीरो नहीं। तो बात आपको समझ आई कि चाहे आपने बैटरी नहीं लगाई है, चाहे आपने किसी एक मेटल के पीस को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, दोनों के केस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन चार्ज है वो सारे के सारे रैंडम होंगे घूमेंगे। चलो अब हम इसके आगे टॉपिक करते हैं।
बनाने से क्या होगा, जब हम बैटरी बनाएंगे फिर देखते हैं क्या होगा। मां वो तीसरा केस हम पढ़ते हैं कि ये आपके पास मेटल का पीस है, इस केस में आपने बैटरी लगाई, ये बैटरी लगाई, अब बैटरी ने क्या किया, वही बैटरी के काम क्या हो गया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेट होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही काम करेगी, कौन सा जो पहले किया था कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो नेगेटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस तरफ आएंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे, वो इधर चलेंगे अपोजिट, प्रोटॉन इधर चलेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा। लेकिन अब यहां पर खेल अलग हो चुका है, अब देखिए, अब ये जो बैटरी है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर जमा नहीं रहेगी, जैसे पहले केस में आपने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इकट्ठे हो जाते थे और ये वाले प्रोटॉन यहां पर इकट्ठे हो जाते थे और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप इसको एक्सटर्नली जोड़ दी है मैंने, जब एक्सटर्नली जोड़ेंगे तो ये इकट्ठे नहीं होंगे बल्कि यहां पर ये सारे के सारा अकॉमोलेशन खत्म हो जाएगा, ये चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा, जब जहां पर चार्ज मूव करेगा तो फिर यहां पर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बनेगी नहीं, वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगी, जो इलेक्ट्रो, क्योंकि पहले केस में यहां पर चार्ज पॉजिटिव इकट्ठा हो गया था, यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया था, उसके कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पैदा हो रही थी, क्योंकि अब जब आपने एक्सटर्नल बैटरी लगा दी है तो ये वाले चार्ज कैरेज है, ये तो मूव करना स्टार्ट कर देगा, जब मूव करेगा तो यहां पर इकट्ठा नहीं होगा ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, फिर ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगी नहीं, क्योंकि वो जीरो हो जाएगी, अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस कंडक्टर के अंदर आ जाएगी, वो होगी आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पैदा होता है, ये आपको याद रखना। अब जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्रिएट हो गया पूरे कंडक्टर में, तो वही जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वो चलेंगे इस अपोजिट डायरेक्शन, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ, लेकिन रियल में पॉजिटिव चार्ज चलता नहीं है, रियल में पॉजिटिव चार्ज यही रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं। ये वही बात होगी जैसे आप समझिए कि आप रोड के ऊपर जा रहे हो तो आप मेटाडोर के बीच में बैठे हो, तो मेटाडोर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, जब बस से एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और बाहर जो पेड़ हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, तो जब बस से चलती है तो आपको लगता है कि जो पेड़ हैं साइड वाले वो पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ अपेयर होता है, रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में इसी तरह सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये अपनी ही जगह पर फिक्स रहता है। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखिए यहां पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज कैरियर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या पड़ेगी, फोर्स आ जाएगी, वो फोर्स का फॉर्मूला है F=qE। अब क्योंकि मैंने आपको बोला कि प्रोटॉन के ऊपर फोर्स पड़ेगी, लेकिन प्रोटॉन का हैवी मास है, कर्नल का हैवी मास है, इसलिए वो चलेंगे नहीं, तो इसलिए सिर्फ जो फोर्स पड़ेगी वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी हम लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज करना है -E·E, ये फोर्स आपको पड़ जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी वो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स आ रही है वो आपका फॉर्मूला -E·E। माइनस साइन से ये शो कर रहा है कि ये जो फोर्स इनके ऊपर लग रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, बस इसका यही मतलब है माइनस साइन का। इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट हमने लिखी थी कि जो एवरेज वेलोसिटी है, जो थर्मल एवरेज राशि जब बैटरी नहीं लगाई थी इनिशियल, वो आपकी जीरो थी। ये सेकंड ले लो, आप देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब फोर्स किसके ऊपर पड़ेगी, मान लो किसके ऊपर फोर्स, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगी ये, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी पैदा होगी, तो वो जो एक्सेलरेशन होती है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग वो होती है फोर्स अपॉन मास। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी -E·E/m, मतलब इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन आपके आप चलेंगे। अब यहां पर एक
मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, कई बार में बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे यहां से कई बार क्वेश्चन अराइज करते हैं कि ठीक है इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स अगर बढ़ रही है तो उनके अंदर एक्सेलरेशन आ गई है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अब इसका मतलब क्या हम ये माने कि ये जो इलेक्ट्रॉन था, माने अगर इसकी वेलोसिटी पहले जीरो थी तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, कंडक्टर के अंदर रखा, तो क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 इन्फिनिटी हो जाएगी या इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है। देखिए मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का बताऊं कि आपने फोर्स लगाई, इसके ऊपर फोर्स पड़ी, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन पैदा हुई। अगर एक्सेलरेशन पैदा हुई, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? उसकी वेलोसिटी बढ़ने वाली है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू एक्सेलरेशन टाइम। मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, सपोज कीजिए इसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी वो होगी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मतलब कि ये जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब कि जितनी देर तक फोर्स इसके ऊपर लगती रहेगी, जितने ज्यादा देर तक इसके, जितना ज्यादा टाइम तक इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स पड़ती रहेगी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होगा। यहां पर एक बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज आ जाएगी कि यहां पर जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि अगर हमारे इसके ऊपर फोर्स बनी है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हुई है, अगर एक्सेलरेशन पैदा हो रही है उसकी वेलोसिटी भी v = u + a होनी चाहिए, और वो वेलोसिटी जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मतलब कि जितनी देर तक फोर्स बढ़ती रहेगी उतनी देर तक वेलोसिटी उसकी बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आप ये आगे पढ़ोगे डिटेल में, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कांस्टेंट रहती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सीखने वाली चीज कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फार्मूले के कारण बढ़नी चाहिए, लेकिन आप देखोगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो होगा चाहे जितनी देर तक मर्जी बैटरी लगा के रखो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी नहीं, बल्कि स्लोली स्लोली कांस्टेंट स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन ऐसे रेंगता हुआ चलेगा, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करता हुआ चलेगा, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी या उस एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बच्चों मैंने आपको समझाना था, ज्यामिता सीखा कि जब मैंने बैटरी लगाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं, वो आपको मैंने लॉजिक दे दिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इनके ऊपर फोर्स डालेगी, जब फोर्स डालेगी तो उनके ऊपर फोर्स पड़ेगी इतनी, न्यूटन सेकंड आगे करेंगे, जब इसके ऊपर फोर्स पड़ती है एक्सेलरेशन पैदा होती है, और जब हमारे जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन हो रही है तो हमारे दिमाग में पहले क्वेश्चन आता है कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मतलब होगा कि टाइम बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि यह ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी वो चीज अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्यों नहीं बढ़ती है। जी आप देखिए समझिए, फिर दोबारा इसका इंटरनल थोड़ा सा शेप बनाते हैं, इंटरनल पिक्चर बनाते हैं दोबारा से इस कनेक्टर की। ये है मैटर का कनेक्टर, ये मेटालिक पीस है। एक्चुअली ये जो बात थी कि फोर्स बढ़ती रहे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती, वो तब होता अगर यहां इस कंडक्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता और कुछ भी नहीं होता। मान लो कि अगर यहां पर मैं इसको बैटरी लगाता, सपोज कीजिए, और ये खाली होता कंडक्टर, सिर्फ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते, तो फिर इसकी वेलोसिटी जो थी, मान लीजिए पहले इतनी है वेलोसिटी, फिर इसकी वेलोसिटी जो बढ़ जानी थी, इसकी वेलोसिटी और बढ़ जानी थी, इसकी वेलोसिटी और बढ़ जानी थी। अगर ऐसी बात होती कि इसके रास्ते में कोई भी चीज नहीं होती, फिर वो क्लासिकल का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप देखोगे कि जो मैटेरियल कंडक्टर है उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके अंदर कर्नल्स भी हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हैं।
कैपेसिटर इतने हैं कि आप काउंट ही नहीं कर सकते, इतना घना है ये मेटल का पीस, ऐसे घना है, इतने पास पास होते हैं ये। अब यहां से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स पड़ेगी, मान लो ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स डाली, इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे चलने लगेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, तो ये सबसे पहले रास्ते में एक उसके आगे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसके साथ जाकर कोलिजन करेगा। जब ये कोलिजन करेगा तो ये एनर्जी इसकी लूज हो जाएगी, फिर दोबारा से क्या करेगा, दोबारा से स्टार्टिंग से दोबारा ये दोबारा से उठेगा, फिर दोबारा बैटरी से एनर्जी लेगा, फिर ये दोबारा यहां से आगे भागेगा, जैसे आगे भागेगा फिर दोबारा ये यहां पर कोलिजन करेगा। कहने का मतलब है कि जब इसको बैटरी पीछे लगी हुई है, बैटरी तो इसको धक्का दे रही है, एनर्जी दे रही है, फोर्स अलग रही है, लेकिन थोड़े दूर जाकर वो जितनी एनर्जी गेन करता है वो दोबारा लूज कर देता है कोलिजन के कारण, इसलिए फिर वो फ्रेश स्टार्ट करता है, दोबारा से नए सिरे से मोशन स्टार्ट करता है। इसी तरह ये हर कोलिजन में क्या करता है कि दोबारा से इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर दोबारा से बैटरी को एनर्जी देती है, तो ये इस तरह ऐसे ऐसे जिगजैग पाथ में ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। होप्स आपका लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि अगर रास्ते में पॉजिटिव चार्ज नहीं होते तो इसकी वेलोसिटी वही बढ़ती रहती इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, क्योंकि इसके रास्ते में खाली जगह नहीं है, इसके रास्ते में हर्डल्स हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, कर्नल्स है, वो बैटरी से जो जितनी भी एनर्जी लेता है वो आगे जाकर लूज कर देता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे लूज कर देता है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ नहीं। चलो थोड़ा सा और इसका इंटरनल व्यू आपको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी इस तरफ, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि रैंडम, अब देखो एक चीज, पहले इसकी वेलोसिटी होगी U1 कौन सी वेलोसिटी थी, जो पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ड्यू टू थर्मल एनर्जी के कारण जी क्या करेगा, रैंडमली वाइब्रेट करता रहता है, ऐसे रैंडमली वाइब्रेट करता रहता है। लेकिन अब क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा कि उसके ऊपर एक फोर्स पड़ेगी, जिसके कारण वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रैंडम तो करेगा ही, जैसे इधर इधर चलेगी, ये रैंडम इधर से इससे कोलिजन की, इससे कोलिजन की, इससे कोलिजन की, इससे कोलिजन की, ऐसे कोलिजन करते करते ये क्या करेगा, फाइनली यहां तक पहुंच जाएगा, मतलब हजारों कोलिजन रैंडम वाइब्रेशन के बावजूद ये काफी तेजी से चलता रहता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके कारण वो बढ़ता नहीं था आगे। अगर आप बैटरी नहीं लगाते थे तो वो मूव तो कर रहा था, लेकिन एक डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही थी उसकी, वो एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा था, उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही थी। लेकिन जब आप बैटरी लगाते हो तो इसकी थर्मल एनर्जी तो साथ साथ है ही है, लेकिन थर्मल एनर्जी के बावजूद जो बैटरी के कारण उसके ऊपर फोर्स पड़ेगी, उसके कारण वो क्या करेगा, यहां से पहले यहां से उसने हजारों वाइब्रेशन की, थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा, ये इतना सा ड्रिफ्ट हो जाएगा, फिर ऐसे करते करते यहां से कोलिजन करेगा थोड़ा सा आगे ड्रिफ्ट होगा, फिर ऐसे कोलिजन करेगा थोड़ा सा आगे ड्रिफ्ट होगा, तो हमें लगेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। रियल में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर तो वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ता था वो, तो आगे अब बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो धीरे 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 आगे ड्रिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो अब जो यहां पर देखिए अब क्या हो गया, इसको दोबारा से समझ लेते हैं इस लॉजिक को कि मान लो कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन थे, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसने इसके साथ इस पॉजिटिव साथ ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है U1 सपोज कीजिए। अब क्या करता है कि ये यहां से इसको कोलिजन करता है,
कोलिजन करके ये यहां चला जाता है फिर दूसरे न्यूक्लियस के साथ कोलिजन करता है। अब यहां से यहां पर जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा फिर दोबारा से इसकी वेलोसिटी मान लीजिए स्टार्ट होगी। सपोज करो यहां से इसकी वेलोसिटी है यू वन। अब इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में इसके रास्ते में कोई भी चीज नहीं आ रही, कोई भी हर्डल नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इस दो, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन है इसने पहले ये कोलिजन और इस कोलिजन, इनको बोलते हैं सक्सेसिव कोलिजन। अब ध्यान दीजिए ये इलेक्ट्रॉन आया इसने जब इधर और इधर कोलिजन की तो इसको बोलते हैं टू सक्सेसिव कोलिजन। तो आप ध्यान दो कि बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन द इलेक्ट्रॉन रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब कि इसके रास्ते में कोई भी हर्डल अब नहीं आने वाला। जैसे हम कहते हैं यार मेरा इस दौर में अब इस युग में कोई दुश्मन नहीं है तो मैं रिलैक्स होकर चलूंगा। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस इसको बोलते हैं, इतने डिस्टेंस को बोलते हैं हम फ्री पाथ। मतलब उसको फ्री है पाथ, फ्री है। अब क्या होगा जब इसके रास्ते में दो सिर जा रहे हैं बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को ही बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को फ्री पाथ होते हैं। फ्री पाथ में क्या होगा, मान लीजिए इसकी मिशन राशि यू वन है सपोज कीजिए, और ये जो टाइम होगा टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में जो टाइम होगा उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, या टाइम एट विच द इलेक्ट्रॉन रिलैक्स, या द टाइम ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर एनी कोलिजन। और एक और चीज समझिए, अब यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है इसके रास्ते में कोई भी कोलिजन नहीं होने वाली, तो नेचुरली यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स अब लगेगी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जब यह आगे चलेगा तो इसकी वेलोसिटी अब इसमें एक्सेलरेशन आएगा, ये एक्सेलरेट होगा इस केस में। इन दोनों कोलिजनों में इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में जब ये कोई भी कोलिजन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उस वक्त क्या होगा कि ये एक्सेलरेट होगा। जब ये एक्सेलरेट होगा तो इसकी नीचे वेलोसिटी यू वन है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो सकता है वी वन हो जाए, मतलब कि बढ़ जाए। लेकिन जैसे ही दोबारा कोलिजन करेगा तो ये दोबारा इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, फिर दोबारा से वो एक्सेलरेट करेगा। तो आप ऐसा समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन एक कंटिन्यूस एक्सेलरेट नहीं करेगा, पहले इसने यहां से यहां एक्सेलरेट किया, फिर दोबारा जीरो हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, फिर दोबारा से एक्सेलरेट करेगा आगे, फिर दोबारा जीरो हो जाएगी। इसीलिए इसकी एक्सेलरेशन कंटिन्यूस नहीं है, ये बस एक्सेलरेट होता है सिर्फ ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम, उसी टाइम में सिर्फ ये एक्सेलरेट होता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट, ये आपको याद रखना। अब मान लीजिए कि मैंने इसने यहां पर कोलिजन की, यहां से कोलिजन की, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो आएगी इलेक्ट्रॉन की, पहले तो उसके पास थी इनिशियल वेलोसिटी यू वन और एक्सेलरेट हुआ ए, और टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन लगा टी वन, इसको बोलते हैं ये टी वन इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम है वो टाइम नहीं है कि जब तक उसको फोर्स लग रही है, दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब इसी तरह यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, उसका अपना खेल होगा, वो जैसे ये यहां से कोलिजन करेगा, ये हो सकता है कि इधर भाग जाए, तो इसकी मान लीजिए मिशन राशि यू टू थी, फाइनल राशि वी टू होगी, एक्सेलरेशन तो ए ही रहेगी सभी, और मान लो यहां पर इसने टाइम लगाया टी टू, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यू टू प्लस ए टी टू। इसी तरह जो एन वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसकी मिशन राशि यू एन प्लस ए टी एस। अब हमने देखा कि जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी तब इसकी एवरेज वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी। जब एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे। अब हमने ये देखना है कि जब हमने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने के बाद क्या फिर भी क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है? अगर फिर भी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है तो फिर समझ लो कि वहां पर करंट नहीं चलेगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं बैटरी लगाने के बाद इनकी, अब बैटरी लगाने के बाद क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी में पहले उसकी इलेक्ट्रॉन की यू वन वेलोसिटी,
उसमें ये वाला फैक्टर ऐड हो रहा है, मतलब U1 वेलोसिटी प्लस AT1 इतनी वेलोसिटी उसमें ऐड हो रही है, एडिशनल वेलोसिटी, दिस इज एडिशनल वेलोसिटी, दिस इज एडिशनल वेलोसिटी AT1, AT1 देखिए एसेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी पर टाइम, तो AT1 क्या है, AT क्या होता है, वेलोसिटी ही होती है, तो मतलब ये इसकी पहले वेलोसिटी थी और AT क्या हुई जो उसने ऐड हुई उसके अंदर वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए आप उसकी वेलोसिटी U1 है नहीं बल्कि U1 पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी U1 प्लस AT1 U2 प्लस AT1, अब देखिए इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो एवरेज वेलोसिटी अब हम निकालेंगे तो बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे देखिए Vm अपॉन m। तो अगर हम इसकी एवरेज निकालेंगे तो देखिए ये U1 U2 U1 का टर्म में अलग हो जाएंगे, U1 U2 U3 Un by n ये अलग हो जाएंगे, प्लस क्या बचेगा, A देखिए कॉमन है और T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn by n ये अलग हो जाएगा टाइम। और ये तो है, ये तो भी हमने पढ़ा था पहले केस में कि ये तो जीरो होता है एवरेज वेलोसिटी, ये देखिए जो हमने स्टार्टिंग में दिया था कि इनकी रैंडम वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, ये तो जीरो है। और ये क्या हो गया, टी वन था इसका रिलैक्सेशन टाइम, टी टू इसका रिलैक्सेशन टाइम, तो सभी का मीन ये आ गया मीन रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम टाउ से नोट कर देंगे, दिस इज मीन रिलैक्सेशन टाइम टी वन जमा टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी एन बाय दिस इज ए मीन रिलैक्सेशन, सभी टाइम का मीन, ये अप्रॉक्सीमेटली 10^-14 सेकेंड होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम। अब हमारे इसका मतलब हुआ कि अब एवरेज बैटरी लगाने के बाद इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं हुई बल्कि वो आई एवरेज वेलोसिटी आपकी आई, इसी एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो मैं इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलूंगा, वो होगी आपकी एक्सेलरेशन इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एक्सेलरेशन कितनी थी हमारी, ई ई अपॉन एम इनटू टाउ। ये देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आया कि एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, हमने मीन निकाला था, तो एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज द एवरेज वेलोसिटी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विद विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड, वो एवरेज सभी इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी निकाली थी जब हमने बैटरी लगाई थी, और उस वक्त इलेक्ट्रॉन जो आगे भर रहा था धीरे धीरे उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक बार कंपटीशन में हमने ऑब्जेक्टिव देखा था, उसमें पूछा था उसने कि एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी या एज द एवरेज वेलोसिटी। बच्चों ये बड़ी छोटी छोटी टेक्निकल चीजें होती हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने देखा कि वो एक एवरेज वेलोसिटी, हमने एवरेज निकाली ना, हमने मीन निकाला। और एक चीज यहां पर देखिए कि जो हमारे क्लासिकल में बयान में आपको पढ़ा रहा था कि V इज इक्वल टू यू प्लस AT, उस वक्त हमने बोला था कि वेलोसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइम होनी चाहिए, कि मतलब कि जितनी देर तक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती रहेगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन यहां पर सरप्राइज दिखे इस केस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है वो टाइम के डायरेक्टिव नहीं है, इट इज डायरेक्टिव क्वेश्चन टू रिलैक्सेशन टाइम, मतलब द टाइम बिटवीन टू कोलिजंस उसके डायरेक्टिव क्वेश्चन है। और क्योंकि जो रिलैक्सेशन टाइम है बहुत कम है इसलिए एवरेज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ये भी बहुत कम होगी। इसका कोई लेना देना नहीं कि आप बैटरी 10 घंटे लगा के रखो 20 घंटे लगा के रखो, फोर्स आपकी एक दिन लग रही है, उसमें कोई लेना देना नहीं इसको, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम। एंड यहां पर आप सरप्राइज होंगे कि जिस वेलोसिटी से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसकी जो वैल्यू है 10^-4 मीटर पर सेकंड है, मतलब आप अंदाजा लगा लेंगे कि 0.0001 मीटर ये चलेगा एक सेकंड, तो बहुत ही स्लोली, बहुत ही कम वेलोसिटी है। आपने सीखा अभी कि कम क्यों है, क्योंकि
उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होने की कोशिश करता है, वो धीरे 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 आगे बढ़ता है। तो अब यहां पर एक बहुत ही क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्री गेमर बुक्स में भी है वो, जहां पर एग्जाम में भी पूछता बच्चों से कि भाई अगर ये मेरे पास कंडक्टर है, इसके साथ मैंने बैटरी लगाई, तो हम बोलते हैं कि जो करंट है, करंट हो गया फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो जो करंट होती है वो तो एक सेकंड में लाखों किलोमीटर चली जाती है। अगर ऐसी बात है वो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि करंट की स्पीड इतनी ज्यादा है और जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो तो बहुत कम है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि हम बोलते हैं कि करंट हो गया था फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, तो ये भी हमने बताया कि प्रोटॉन चलते नहीं, इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो अगर उनकी स्पीड इतनी कम है इलेक्ट्रॉन्स की, तो करंट की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे है? तो ये बच्चों आपको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, एक और रिलेशन ड्राइव करेंगे, उससे आपको समझाएंगे कि इसके बीच की सीक्रेट क्या है इसके बीच में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।